सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीवों की दुनिया के विषय में। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम सूक्ष्म जीवों के विषय में पढ़ने वाले हैं, जीवाणुओं के विषय में पढ़ने वाले हैं। इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, ये हमारे लिए हानिकारक ही है केवल कि लाभदायक भी है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं सूक्ष्म जीवों की दुनिया। हमारे आसपास के वातावरण में चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे वायु हो, हर जगह सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि क्या ये जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं या हानिकारक होते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आज इसको यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, और इससे पहले के जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं साइंस में जो मैंने पढ़ाया है, उनको भी आप पढ़ लीजिए और नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि ये नोट्स आपके ही काम आएंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी भी करते हुए चलेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार और सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, आप लोग उसको भी तैयार करते हुए चलिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए सूक्ष्म जीवों की दुनिया में क्या क्या चीजें हमें आज यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ पर आप देखिए, भोजन का विभिन्न अणुजीवों से घनिष्ठ संबंध है। ये अणुजीव भोजन के पोषक तत्व को बढ़ाने, कम करने, साथ में आपको पूर्ण रूप से नष्ट करने व अपना हानिकारक प्रभाव उन पर छोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोजन पर सूक्ष्म जीव विभिन्न या भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, अणुजीव किसे कहते हैं, अब ये हम देखते हैं। वह जीव जो सदा आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, ऐसे जीवों को अणुजीव कहते हैं। अणुजीव मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, शुक्राणु या जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, दूसरा है फफूदी यानी कि मोल्ड, तीसरा है खमीर यानी कि ईस्ट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जीवाणु हमारी क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। कई प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया मनुष्य के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं, तो वहीं कुछ जीवाणु हानि भी पहुंचाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जीवाणुओं से क्या, जीवाणुओं का क्या महत्व है और जीवाणुओं से हमें क्या लाभ होता है या इनका क्या उपयोग है। एग्जाम में किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है जीवाणुओं का क्या महत्व है, जीवाणुओं से हमें क्या लाभ मिलता है, जीवाणुओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, अभी यहाँ पर जब आप पढ़ोगे इतने सारे एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा कि जो जीवाणु है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे भोजन में। तो सबसे पहला यहाँ पर है, ये आपको पता भी होगा, दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं द्वारा दूध से दही बनना। आपको पता है कि जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं यही दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। वैसे भी एग्जाम में ये बातें कई बार पूछी भी गई हैं कि वह कौन सा जीवाणु है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है या दूध को दही बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लैक्टोबैसिलस के बारे में आपने पढ़ा कि जो जीवाणु होते हैं क्या होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में क्या होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं, हमारे काम के होते हैं। अगर ये जीवाणु ना होते तो क्या दूध से दही बन पाता, नहीं बन पाता। तो इसलिए जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन में। इसके बाद देखिए ईस्ट, ईस्ट एक क्या है, यह एक कवक है। एग्जाम में पूछता है ईस्ट क्या है, तो आप याद रखिएगा ईस्ट एक कवक है। अब ईस्ट का उपयोग डबल रोटी, बियर तथा जलेबी बनाने हेतु खमीर के घोल को उठाने में किया जाता है। आपने जलेबियां देखी हैं गरम गरम जो बनती हैं, उसमें जो ईस्ट है इसी का उपयोग किया जाता है। इसी से जो जलेबियां आप बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट खाते हैं वो ईस्ट की ही देन है। ईस्ट के द्वारा ही वह जो उसका घोल है वह तैयार होता है और उसमें वह घोल फूलता है और उसी से आप जलेबियां बनाते हैं। तो इस तरीके से जो ईस्ट होता है यह क्या होता है, यह जलेबी बनाने में, डबल रोटी बनाने में, इन सब में क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब देखिए क्लोरेला क्या है, यह एक कोशिकीय शैवाल है। क्लोरेला, इसका उपयोग सूप व आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, यानी कि आइसक्रीम बनाने में भी जीवाणुओं का उपयोग होता है, जिसे आप लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो आइसक्रीम बनाने में किसका प्रयोग होता है, कौन से सूक्ष्म जीव का, क्लोरेला, याद रखिएगा। दोस्तों ये सब हमारे दैनिक जीवन में हर दिन हम इन सब चीजों का उपयोग करते हैं और वही चीजें हमारे जो जीवाणु है ये क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव है ये हमारे तरीके से भोजन को तैयार करते हैं, खाने की चीजों को तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है पेनिसिलिन नामक कवक से पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है, यानी कि पेनिसिलिन नाम का एक कवक होता है, उसी से हम पेनिसिलिन नाम का औषधि या पेनिसिलिन नाम की औषधि, जीवन रक्षक औषधि बनाते हैं। तो ये भी क्या है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाला एक औषधि है। इसके बाद है
मूंग मोठ चना मटर की जड़ों में, या मूंग मोठ चना मटर की जड़ों के जड़ों में गांठों या गांठे या गुलिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो मूंग की जड़ें होती हैं, चने की, मटर की, मोठ की, इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों में जो गांठे पाई जाती हैं या गुलिकाएं जो पाई जाती हैं जड़ों में, उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोग के एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो इसमें जो जड़ों जो चना मटर और मूंग की दालें होती हैं, इनकी जड़ों में जो गांठें होती हैं या जो गुलिकाएं पाई जाती हैं, इसमें कौन से जीवाणु होते हैं? तो इसमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, राइजोबियम जीवाणु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्रिया द्वारा डिब्बा बंद वस्तुओं को सूक्ष्म जीव रहित किया जाता है। डिब्बा बंद वस्तुओं का मतलब है जो दूध पैकेट में आता है वह पाश्चुरीकरण क्रिया द्वारा ही आपको बाद में प्राप्त होता है। जिसको आप खाते हैं, जो पैकेट वाली, जितनी भी पैकेट वाली चीजें आप देखते हैं, खासकर जो दूध है या दूध की तरह जो उत्पाद होते हैं, जितने भी होते हैं, ताकि इनका पाश्चुरीकरण इसलिए किया जाता है ताकि ये जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो पाश्चुरीकरण क्रिया में क्या होता है, इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं या मर जाते हैं आप कह सकते हैं, जिससे ये वस्तुएं जल्दी खराब नहीं होती हैं। इसीलिए डिब्बा बंद चीजें हमें बहुत ही कम उपयोग करनी चाहिए। पाश्चुरीकरण का मतलब होता है बहुत ही तेज टेम्परेचर पर उसे क्या किया जाता है, उस वस्तु को उबाला जाता है, फिर एकाएक उसे कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो इस तरीके से जो पाश्चुरीकरण की क्रिया होती है, इसमें जो विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, वो चीजें निकल जाती हैं जब इतना अधिक इसको हीट दिया जाता है इस वस्तु को, और फिर उसके बाद उसे डिब्बे में बंद किया जाता है, तो उसमें कोई पोषक तत्व बचता ही नहीं है। तो इसलिए डिब्बा बंद चीजों का जितना हो सके उतना आप लोग कम से कम उपयोग किया करें। इसके बाद देखिए, जो सूक्ष्म जीव है इनका उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए भी किया जाता है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव है ये हमारी कृषि में भी, खेती में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये खेत की उर्वरता को बढ़ा देंगे। अगर खेत की उर्वरता बढ़ेगी तो क्या होगा, फसल अधिक उत्पादित होगा। जब फसल अधिक उत्पादित होगा तो किसान के लिए क्या होगा, ये बहुत ही अच्छा होगा। इतनी मेहनत करते हैं किसान खेतों में, तो फसल अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म जीव है ये खेतों की उर्वरता को भी क्या करते हैं, मृदा की यानी कि मिट्टी की उर्वरता को भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप दूध से दही बनाने में इनका प्रयोग करते हैं, जलेबियां बनाने में इनका प्रयोग होता है, इसके अलावा आइसक्रीम बनाने में, पेनिसिलिन नाम की औषधि बनाने में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक जगहों पर इनका उपयोग होता है और ये हमारे दैनिक जीवन में कितना अधिक उपयोगी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो टॉपिक आपने पढ़ा जीवाणुओं के विषय में, जीवों सूक्ष्म जीवों के विषय में, इनका क्या लाभ है, इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें जरूर किया करिए, जिससे हमें ये पता चले कि हाँ, आप लोग भी वीडियोस को देखते हैं और इससे आप लोगों को लाभ हो रहा है और हम भी आपके कमेंट से मोटिवेट हों, क्योंकि आप लोग के लाइक और कमेंट जितना अधिक आते हैं हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप लोग मेहनत को सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आपको आई बटन पर आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ऑलरेडी खत्म कर दिया है मैंने, शुरुआत में ही वीडियो के बताया है। आप सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आप लोग को मैथ की भी वीडियोस मिलेंगी, हिंदी की भी, सामाजिक विज्ञान की भी, आप लोग का संस्कृत भी स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरीके से आपको सभी विषयों की यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी। हर एक विषय को आप कभी भी कहीं भी देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे, जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोज को ऐसे ही देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं और दोस्तों, इससे आपकी तैयारी थर्ड सेमेस्टर की बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब के साथ ही आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको सभी विषयों की नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे, और आपको व्यक्तिगत रूप से कोई भी समस्या है किसी भी विषय में तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछ भी सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा, ताकि लगातार हम लोग आप लोग के साथ ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आते रहें और आप लोगों का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें आगे चल करके। हमें अभी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी चीजों की आपको तैयारी करवानी है, तो आप लोग प्लीज चैनल से ऐसे बने रहिए और अपना विश्वास और भरोसा इसी चैनल से बनाए रखिए। जय हिंद दोस्तों।